जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 3 ओडीआई मैचेस में दोस्तों 2 मैचेस पर जीत हासिल करके श्रीलंका ने ये सीरीज जीत ली। आप सभी को बता दें, हाल ही में टीम इंडिया गई थी श्रीलंका के मैदानों पर, जहां पर ओडीआई सीरीज वो जीती थी, लेकिन T20 हार गई थी टीम इंडिया। लेकिन यहां पर कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रीलंका ने ओडीआई सीरीज जीत ली है। अब साउथ अफ्रीका की निगाहें दोस्तों इनके साथ होने वाली T20 सीरीज पर होने वाली है। 3 मैचेस दोस्तों ओडीआई के हुए, जहां पर दोस्तों पहला मैच श्रीलंका ने 14 रन से जीता था। बहुत ही शानदार वो मुकाबला था, आखिरी तक गया था, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका की जीत हुई थी 14 रन से। और दूसरे मैच में दोस्तों बारिश की खलल देखने को मिली थी आर प्रेमादास स्टेडियम कोलंबो के मैदान पर, जिसकी वजह से 47-47 का ओवर का खेल हुआ। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद साउथ अफ्रीका की टीम दोस्तों 67 रन से DLS मेथड के हिसाब से वो मुकाबला जीती थी और श्रीलंका को उन्हीं के घरेलू मैदान पर हराया। लेकिन जब बात आई तीसरे मुकाबले की, तो श्रीलंका ने दोस्तों अपना दमखम दिखाया और यहां पर अच्छा पूरा फायदा उठाया इस स्टेडियम का, जहां पर गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और महज 125 रन पर ही ऑल आउट करके 78 रन से जीत दर्ज करी। क्या कुछ खास देखने को मिला इस मैच में, चलिए दोस्तों बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ 50-50 ओवर का ही खेल हुआ, बारिश की खलल नहीं देखने को मिली, लेकिन बारिश की वजह से ही पिच में थोड़ी बहुत यहाँ पर नमी और रुकावट आई, जिसकी वजह से गेंदबाजों को मदद मिलती नजर आई। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें प्लेइंग 11 की, तो ये लगा लीजिए कि साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में अभी कुछ सीनियर खिलाड़ी जो हैं दोस्तों वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ कैरेबियन प्रीमियर लीग, कुछ IPL की तैयारियों में जुटे हुए, क्योंकि हर किसी की निगाहें T20 वर्ल्ड कप पर है। बात करें साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की, तो जाने मन मलान, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार पारी खेली थी, एडन मार्करम, रीजा हैंड्रिक्स, रासी वंदर दुसेन, हैंड्रिक क्लासन जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, एंड्रयू फिलुकावे, वियान मोल्डर, जॉर्ज लिंडे, कैशव महाराज जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी और यही कप्तान हैं, कगिसो रबाडा और तबरेज शमसी, औंदिक नोरक्यास को दोस्तों जगह नहीं दी गई थी टीम में। श्रीलंका की प्लेइंग 11 में अविष्का फर्नांडो, दिनेश चांडीमल, कमिनुदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, चरित असलंका, दसुन शनाका जो कप्तान है, वनिंदु हसरंगा जो इस बार रॉयल चैलेंजर बैंगलोर में खरीदे गए हैं, कोहली की कप्तानी में खेलते नजर आ सकते हैं RCB में, चमिका करुणा रत्ने, दुष्मंत चमीरा भी दोस्तों इस बार RCB में, प्रवीण जय विक्रमा, महेश दीक्षाना ये देखने को मिले। अब विनोद भानुका को टीम में जगह नहीं दी गई, ना ही अकेला धनंजय को, साथ ही साथ कई और खिलाड़ियों को बाहर बैठाना पड़ा कुछ अलग कारणों की वजह से। बात करें आर प्रेमादास कोलंबो के मैदान पर पहले टॉस की, तो टॉस जीतकर श्रीलंका ने मैदान के सारे परखने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका महज 203 रन ही बना पाई दोस्तों 300 गेंदों में, यानी कि 50 ओवर के अंदर 203 रन। अविष्का फर्नांडो 10 रन बनाकर आउट हुए कैशव महाराज की गेंद पर, चंडीमल 9 रन बनाकर आउट हुए जॉर्ज लिंडे की गेंद पर। दो विकेट दोस्तों बहुत जल्दी आ गई थी, क्योंकि 6 ओवर की दूसरी गेंद तक 33 रन पर ही चंडीमल आउट हो गए थे और 2 विकेट गिर चुकी थी। कमिंदु मेंदुस का जब विकेट आया दोस्तों, तो 64 रन की पारी पहुंच चुकी थी टीम श्रीलंका की। 29 गेंदों में 16 रन बनाकर कमिंदु मेंदिस आउट हुए जॉर्ज लिंडे के हाथों। धनंजय डी सिल्वा ने एक अच्छी पारी खेली, 44 गेंदों में 31 रन की श्रीलंका के साथ मिलकर, 71 गेंदों में 47 रन की पारी श्रीलंका ने खेली थी। धनंजय डी सिल्वा ने 44 गेंदों में 31 रन की पारी, लेकिन धनंजय डी सिल्वा का जब विकेट लिया दोस्तों, तब टीम का स्कोर 19.5 ओवर तक 93 रन पहुँच चुका था। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करें तो मार्करम ने उनका विकेट लिया था और क्लासन ने उनकी कैच, असलंका का विकेट भी दोस्तों क्लासन ने ही कैच पकड़ी थी, लेकिन बॉलर तब शमशी थे। शनाका ने दोस्तों 12 गेंदों में 13 रन मारे, इनसे उम्मीद थी कि एक लंबी पारी खेलेंगे, जो मिडिल ऑर्डर में रन की आवश्यकता होती है वो देंगे, लेकिन केशव महाराज ने इनके सारे सपने तोड़े, इनको चलता कर दिया। वनिंदु हसरंगा दोस्तों, जब से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के साथ नाम आया, तब से इनकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में क्या इनको प्रेशर हो रहा है, क्या दबाव है, क्योंकि ये अच्छा खेलते हैं, लेकिन 10 गेंदों में 6 ही रन बना पाए और केशव महाराज ने इनको आउट कर दिया। वैसे पिच भी दोस्तों बहुत अच्छी थी, जिसके दम पर यहाँ पर विकेट लेने मदद मिल रही थी केशव महाराज को। इसके बाद दोस्तों करुणा रत्ने 39 गेंदों में 16 रन ही बना पाए, शमसी ने इनका विकेट लिया और 39 गेंदों में 29 रन की पारी चमीरा ने भी खेली लास्ट में, लेकिन मल्डर ने इनका विकेट लिया और लास्ट में तिक्षाना 10 रन बनाकर और जय विक्रमा 2 रन बनाकर टीम की इज्जत बचा ली कि ऑल आउट नहीं हुए। ऐसे करते कराते दोस्तों लास्ट में किसी भी ज़्यादा के बीच पार्टनरशिप नहीं देखने को मिली, सिवाय दोस्तों धनंजय डी सिल्वा और असलंका के अलावा। 203 रन 9 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग के दौरान बना दिए। अब यहां बारी थी दोस्तों साउथ अफ्रीका की कि वो कैसे इस रन को चेस करती है। बारिश का मौसम तो दोस्तों हो ही रखा था, गेंदबाजों को मदद मिल रही है, श्रीलंका का अब घरेलू मैदान है तो वो फायदा जरूर उठाएगी। तो जब यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने आई, तो जाने मन मलान 19 रन पर, एडन मार्करम 2 रन पर, दोस्तों ये ऐसे ही टेलीफोन डायरी की तरह नंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आप क्या ही उम्मीद करते हैं कि 125 रन पर टीम ऑल आउट हो रही है, तो कौन
ही दोस्तों यहाँ 50 रन से प्लस की पारी खेल पाएगा। 50 रन तो दोस्तों छोड़िए, किसी भी बल्लेबाज ने 30 का आंकड़ा तक नहीं छुआ, वो भी वनडे की बात कर रहे हैं हम। और गेंदबाजी में महेश दीक्षाणा ने दोस्तों कमाल कर दिया। महेश दीक्षाणा ने ही दोस्तों शुरुआत में जाने मन मलान की विकेट दिलाई, उसके बाद दोस्तों महेश दीक्षाणा ने ही हेनरिक क्लासन की विकेट ली जिन्होंने अच्छी पारी खेली थी। फिर बने महेश दीक्षाणा ने दोस्तों लास्ट में कगिसो रबाडा और केशव महाराज को चलता किया। केशव महाराज लास्ट में पारी को बुनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन विकेट हाथ में बचा नहीं था। जाने मन मलान 19 रन बनाकर, एडन मरक्रम 2 रन बनाकर, रीजा हेनरिक्स 1 रन बनाकर आउट हुए, चमीरा के हाथों राशि वंदर दूसरे 5 रन बनाकर आउट हुए। हेनरिक क्लासन ने 30 गेंदों में 22 रन की पारी खेली लेकिन काम नहीं आई, दीक्षाणा ने इनकी विकेट ले ली। वियाना मल्डर ने दोस्तों 2 ही रन बना पाए, एंडले फेलुकुआवे ने 17 रन, जॉर्ज लिंडे ने 18 रन, कगिसो रबाडा ने 8 रन, केशव महाराज ने 15 रन बनाए, तबरीज शमसी लास्ट में 9 रन बनाकर अकेले खड़े रह गए क्योंकि सामने से कोई और बल्लेबाज था ही नहीं। हम आपको दोस्तों साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बताएं तो केशव महाराज ने 10 ओवर में 38 रन देते हुए 3 विकेट झटके, जॉर्ज लिंडे ने 2 विकेट, शमसी ने भी 2 विकेट, मरकरम ने 1 विकेट, मल्डर ने 1 विकेट झटका 1 ओवर में। उसके बाद दोस्तों यहां पर श्रीलंका की गेंदबाजी और भी ज़्यादा शानदार रही क्योंकि दुश्मन चमीरा ने 2 विकेट झटके महज 4 ओवर में 16 रन देते हुए, प्रवीण जयविक्रम ने 1 विकेट झटका, उसके साथ ही साथ दोस्तों बनिंदु हसरंगा ने भी 2 विकेट और महेश दीक्षाणा ने 4। चरित असलंका की बात करें तो उन्होंने भी 1 ओवर के अंदर 3 रन देते हुए 1 विकेट किसी तरीके से झटकने में कामयाब रहे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों श्रीलंका ने ओडीआई सीरीज पर कब्जा किया। अब दोस्तों यहां पर दोस्तों लेकर चलते हैं आपकी पुराने मैचेस की तरफ, जो दो पहले से मैचेस हुए थे वहां पर क्या गलती करी थी टीमों ने। श्रीलंका का जो दोस्तों पहला वाला मुकाबला हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ इसी मैदान पर, वहां पर दिक्कत वाली बात यह थी कि श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 300 रन बना दिए थे। जब चेस करने उतरी थी साउथ अफ्रीका तो 286 रन ही बना पाई थी। कोशिश उनकी बहुत अच्छी थी क्योंकि उनके बल्लेबाजों ने दमखम दिखाया था, कोशिश कर रहे थे कि एक लंबी पारी बुनेंगे लेकिन वो काम नहीं कर पाए उसमें, क्योंकि वहां पर स्कोर कार्ड की बात करें तो साउथ अफ्रीका की तरफ से एंडन मरक्रम ने 96 रन की पारी खेली थी। हेनरिक क्लासन का बल्ला दोस्तों इस सीरीज के दौरान कहीं सही चला है लेकिन अविष्का फर्नांडो का शतक देखने को मिला था पहले ही मैच में। फिर जब बात आई दूसरे मैच की तो दोस्तों बारिश हो गई थी जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को थोड़ा बहुत नुकसान था क्योंकि श्रीलंका को तो आदत हो सकती है इस पिच पर, लेकिन यहां पर ज़्यादा नुकसान साउथ अफ्रीका को था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी पहले बल्लेबाजी करते हुए 121 रन बनाया यहाँ पर जाने मन मलान ने, जिनके दम पर टीम का स्कोर 283 रन महज 47 ओवर तक पहुंच गया। एक बात नोटिस करने वाली दोस्तों ये है कि जिसने भी पहले बल्लेबाजी करी है इस पूरी सीरीज के दौरान ओडीआई में 3 मुकाबलों में, वही टीम जीती है। चाहे दोस्तों आप श्रीलंका का पहला मैच उठा लीजिए जिसमें 14 रन से जीते थे, श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बनाए थे। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने 283 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, उनकी 67 रन से जीत हुई थी। तीसरे मैच में श्रीलंका ने 203 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए और 78 रन से डिफेंड कर लिया इस मैच को। अगले जो 3 T20 मुकाबले होने हैं दोस्तों वो 10 सितंबर को 8 बजे से लाइव आएंगे, 12 सितंबर को 8 बजे से सोनी 10-2 पर आप सभी को लाइव देखने को मिलेगा और 14 सितंबर को आखिरी तीसरा T20 मुकाबला होगा इन दोनों टीमों के बीच आर प्रेमादास कोलंबो के इसी मैदान पर, जहां पर T20 सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी टीम इंडिया धवन की कप्तानी में क्योंकि काफी सारे खिलाड़ियों को कोविड हो गया था। लेकिन यहां पर देखते हैं क्या T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी हुंकार भर पाएगी दोनों में से कोई टीम, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका। क्या लगता है कौन जीतेगी T20 सीरीज, लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।